हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से एडिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको भी कुछ इस टाइप से एक फ़ोटो खिंचवा लेनी है। कुछ इस टाइप से एक फ़ोटो खिंचवा लेनी है और इसे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। और शेयर हो जाने के बाद हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। और ये रही वो फोटो। सबसे पहले इस फोटो को हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे और यहाँ से डन। फिर हम इसे ऑटो कर देंगे और यहाँ से मिक्स वाले टूल पे जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे ऑरेंज कलर पे, इसकी सेचुरेशन को कम करेंगे और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे। फिर जाएंगे रेड वाले कलर पे, इसकी सेचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। और फिर जाएंगे हम येलो वाले कलर पे, इसकी सेचुरेशन को कम और ग्रीन वाले सेचुरेशन को भी कम। फिर यहाँ से डन। फिर जाएंगे क्लैरिटी वाले टूल पे, इस फोटो में थोड़ी सी क्लैरिटी डालेंगे और यहाँ से विग्नेट को कम। फिर हम इस फोटो को शेयर कर लेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। और शेयर हो जाने के बाद हम इसको अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे। और फिर हम इसके अंदर कुछ PNG ऐड करेंगे, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम लाइट वाली PNG को 5 बार ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इनको पहले छोटा कर लेंगे थोड़ा और ऐसे साइड में रख लेंगे। और पांचों की पांचों हम अपनी उंगली के ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे। और यहाँ से जाएंगे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे और इसे कर देंगे स्क्रीन। फिर अगले वाले को और इसे भी कर देंगे स्क्रीन। इसे भी स्क्रीन कर देंगे। और इसे भी स्क्रीन। दोस्तों, फिर यहां से हम डन कर देंगे और यहां से दोबारा जाएंगे ऐड फोटो में और ये आइकन्स को ऐड कर लेंगे। इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको भी पहले छोटा कर लेते हैं। और इनको इन लाइट वाली PNG से थोड़ा छोटा ही रखना है, कुछ ऐसे। फिर इस वाले को ऐड करेंगे यहाँ पे। सो दोस्तों, फिर यहाँ से हम इसे कर देंगे डन।
और फिर जाएंगे ड्रॉ टूल पे और यहाँ से सेव इमेज। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।